जय हिंद दोस्तों मेरा नाम है डैनिस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में बात करूँगा एम जी SUV एस के बारे में जो राइवल करेगी Ford इंडेवर एंड ऑल्सो टोटा Fortuner और साथीदात महिंद्रा अल्टूरस G4 को भी और उसका जो लॉन्च है वो हो सकता है इन अक्टूबर जो कि है नेक्स्ट मंथ क्योंकि अब उसके काफ़ी टीजर्स आने लगे लग हैं सो तो वही इंडिकेट करता है कि इसका जो लॉन्च है वो बहुत जल्दी होने वाला है बिफोर दिवाली तो कैसे इससे पहले मैं इस कार के बारे में आज आपको और इन्फॉर्मेशन दूँ मैं एक छोटे दर सब्सक्राइब बटन साथ ही साथ आइकन भी दबा देना ताकि मेरी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ पर सबसे पहले नोटिफिकेशन पा सकें सो गाइज़ आई ऑल्सो वॉन्टेड टू टेल यू वन थिंग के मैं अमेजोन एको डॉट थर्ड जनरेशन का गिव अवे कर रहा हूँ अगर आपने गिव अवे को एंटर करना है तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप उस वीडियो को जाकर चेक कर पाएंगे और आप जान पाएंगे अगर आपने गिव अवे एंटर करना है तो कैसे कर सकते हैं सो गाइज़ लेट्स बिगिन विद टूडेज़ वीडियो सो गाइज मैं आपको एक एम जी मोटर्स के थ्रू एक ऑफिशियल वीडियो दिखाने वाला हूँ जिसमें प्रोडक्शन स्पैक इंडियन प्रोडक्शन स्पैक एम जी ग्लॉस्टर को दिखाया गया है वाइल बींग पार्कड ऑटोमेटिकली जैसे कि अभी हमें इसमें फोर्ड uh, इंडाइवर में पैरल पार्क असिस्ट फीचर देखने को मिलता था वैसे ही कुछ इसमें हमें ऑटोमेटिक पार्किंग फीचर भी ऑन ऑफर देखने को मिलेगा सो so, इस टीजर में हमें इसका जो इंटीरियर uh, है वो भी विजिबल है ब्राउन एंड ब्लैक थीम के साथ आएगा बहुत ही प्रीमियम लग रहा है एंड अगर आपको पता नहीं है, तो ये कार जो है ये मैक्सेस डी नाइन्टी पर बेस्ड है इंटरनेशनल मार्केट में मैक्स डी नाइन्टी नाम से बिकती है ये कार बट इंडिया में इसका नाम रखा जाएगा ग्लास्टर एंड दिस विल बी द फोर्थ ऑफरिंग ऑफ एम जी इन इंडिया जो पहली कार आई थी वो थी एम जी हेक्टर देन के एम द एम जी जेड एस ई वी देन द एम जी हेक्टर प्लस अब आ रही है द एम जी ग्लॉस्टर सो अगर हम इसके डायमेंशन के बारे में बात करें ये डायमेंशंस में तो बहुत ही बड़ी है एज with विद Fortuner एंड ऑल्सो the इंडेवर मैं उसका भी एक आपको डायमेंशन कंपेरिजन बना के दिखा दूंगा बट इसकी जो लेंथ uh, है दैट इज़ फाइव थाउजेंड फाइव मिली मीटर है नाइनटीन हंड्रेड थर्टी टू मिली मीटर हाइट है 1875 हंड्रेड mm मिलीमीटर की और जैसे कि मैंने आपको बताया इंडेवर और फॉर्चूनर से तो सब लेंथ में बड़ी है थोड़ी एंड इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन इसमें हमें स्लिक्स एल ई डी देखने को मिल जाते हैं सी बोनट पर लुक देखने को मिल जाती है एल ई डी टेल लैम्प क्वाड एग्जॉस्ट पाइप मतलब कि आपको दो एक साइड दो एक साइड क्वाड मतलब कि फोर इन टोटल सो so, इसमें जो हमें अलॉय व्हील्स देखने मिलेंगे दैट विल बी 19 inches और मल्टी स्पोक अलॉय व्हील्स इन सिल्वर और ग्रे मतलब कि डायमंड कट टाइप का जो होता है और अब मैं आपको एक उसका ऑटोमेटिक पार्किंग वाला एक वीडियो दिखा देता हूँ अब आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे उसको भी ये सो एज यू कैन सी एम जी का फुटवेल टाइप वाला प्रोजेक्टर एंड हैंड फ्री टेल गेट है अगर आप से इसको करेंगे व्हील ड्राइव आपको कैप्टन सीट्स दिख रही होंगी इसकी ब्राउन लेदर में बहुत ही अच्छी लग रही हैं सीट्स इसका हाफ डिजिटल और हाफ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड अब यहां पर कार होगी पार के बटन दबाने से स्टीयरिंग से हाथ गए गेयर रिवर्स एंड यू कैन सी द कैमराज ऑल्सो थ्री सिक्सटी डिग्री कैमरा और ये पार्क हो रही है कार एम जी कार के बीच में ही एंड यू हैव टू अप्लाई द ब्रेक ऑन योर सेल्फ तो कुछ मतलब कि वैसा ही सिस्टम हो गया जैसे कि हमें इंडेवा में भी देखने को मिलता है पैरल पार्क सिस्ट का उसमें हमें ब्रेक कंट्रोल करनी पड़ती है बाकी एक्सेलरेशन वगैरह सब कुछ अपने आप ही होती है कार में सो so, दिस इज़ अ गुड फीचर अगर जिनसे मतलब कि बहुत ही टाइट स्पॉट होता है मतलब कि कार के लिए पूरा पूरा होता है या थोड़ी से गैप बचा हो सो so, उनके लिए ये काफ़ी यूजफुल रहने वाला सो so, आपने इंटीरियर भी देखा बहुत ही अच्छी लग रही थी कार तो so, उसमें हमें ट्राई जोन ऑटोमेटिक एयर कंडीशनिंग ऑन ऑफर मिल सकती है मतलब कि रेयर वाले पैसेंजर्स के लिए सिर्फ एक जोन होगा बाकी कोड पैसेंजर और ड्राइवर के लिए अलग अलग मतलब तभी ट्राई जोन हुआ ये टेन इंच टच स्क्रीन इन्फरटेनमेंट सिस्टम विद आई स्मार्ट सूट और फिफ्टी कनेक्टिविटी फ़ीचर्स हमें देखने को मिलेंगे इस कार में एंड अगर हम इसके इंजन के ऑप्शन के, के बारे में बात करें इंटरनेशनल मार्केट्स में तो तीन टाइप के इंजन ऑप्शन मिल सकते हैं बट यहाँ पर इंडिया के बारे में बात करें सो so, इंडिया में हमें ग्लोस्टर में इन हाउस डिवेलप टू लीटर का ट्विन टर्बो डीजल इंजन मेकिंग अराउंड 215 हॉर्स पावर एंड फोर न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क मिल सकता है तो वही टू लीटर वाला जैसे कि हमें हमें uh, इंडेवर में भी देखने को मिल जाता है टू लीटर का बट इनफॉर्चुनर वी गेट अ टू पॉइंट फोर लीटर uh, डीजल इंजन एंड अगर हम इसके सो so अगर हम इसके इंजन के बारे में बात करें इंटरनेशनल मार्केट में तो तीन टाइप के इंजन बिकते हैं वहां पर पेट्रोल भी बिकता है एंड डीजल भी देखने को मिलते है बट इंडिया में हमें इसका मिल सकता है टू लीटर का इन हाउस डेवलप्ड एंड उसकी पावर हो सकती है टू एच पी एंड फोर हंड्रेड एटी न्यूट मीटर ऑफ टॉर्क टॉर्की और इसमें ऑटोमेटिक वेरियंट ही ऑन ऑफर मिलेगा नो मैनुअल ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन कुड बी द द पार्ट ऑफ पैकेज ऑफर्ड क्या पता एक ही वेरियंट में बिके ये कार मे बी टू वेरियंट एक मतलब कि नॉट ऑल व्हील ड्राइव एंड एक ऑल व्हील ड्राइव हो सकता है कार नो no डाउट बहुत ही अच्छी है बट मेन बात आती है इसके प्राइस पे इसके प्राइस के बारे में बात करें एक्सपेक्टेड प्राइसिंग तो बहुत चल रही है जैसे कि फोर्टी फाइव लाख रुपीज हाँ आपके सब लोगों के पानी फिर क्या होगा प्राइस सुन के एक्सपेक्टेड एक्सश्योरम प्राइस है ये इस कार का बट मे बी क्या बताए इससे भी कम रखा जाए बिकॉज इफ़ यू टॉक अबाउट एक्सचॉरम प्राइजेज ऑफ फोर्ड इंडा और फॉर्च्यूनर वो तो कम से कम अराउंड थर्टी सिक्स थर्टी सेवन लैक्स की तो इंडा है आई एम नॉट श्योर अबाउट द फॉर्च्यूनर बट ऑन रोड वो फोर्टी एट लैक्स तक की पड़ती है इन सम स्टेट्स बट इसका तो एक्सचॉरमी प्राइस फोर्टी फाइव लैक्स बताया जा रहा है बट लेट्स वेट एंड वॉच जब इसके बारे में थोड़ी और डिटेल्स पता चलेंगे एम से मैं उस पर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा एंड गाइस मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन साथ ही साथ बेल बेलेको भी दबा देना ताकि मेरी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस पे सबसे पहले नोटिफिकेशन पा सकें एंड गाइज ऑल्स मेक श्योर टू द लाइक बटन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो टिल माई नेक्स्ट वीडियो आई विल सी यू सून बाय